बेटमा नगर में बने श्री जगदीश वाटिका को कोविड आइसोलेशन सेंटर बनाने की तैयारी में प्रशासन लग गया है, जिसके लिए पूर्व विधायक मनोज पटेल, तहसीलदार बजरंग बहादुर, एसडीओपी आशुतोष मिश्र और थाना प्रभारी संजय शर्मा ने श्री जगदीश वाटिका में जाकर उसका निरीक्षण किया। इस निजी गार्डन को 150 से 200 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए तहसीलदार बजरंग बहादुर को एक सुझाव दिया गया था, जिसके बाद शनिवार को इसका निरीक्षण किया गया। बेटमा क्षेत्र में अप्रैल माह में ही अब तक 220 से अधिक कोरोना वायरस के पेशेंट निकल चुके हैं और यहां आंकड़ा और भी बढ़ेगा। वहीं बेटमा ग्रामीण क्षेत्र में भी कई संक्रमित निकल चुके हैं और लगातार मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते ही प्रशासन ने बेटमा में आइसोलेशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया, जिसमें 24 घंटे एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम मौजूद रहेगी। वह जरूरत पड़ने पर और भी इसे बड़े पैमाने में बनाया जा सकता है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। देखिए, कोविड सेंटर का निर्माण अभी भविष्य में किया जाएगा, उससे पूर्व यहाँ क्वारंटाइन सेंटर के संबंध में माननीय पूर्व विधायक महोदय के द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया है, उनके साथ प्रशासन पुलिस की टीम भी, और हमने यहाँ जगदीश वाटिका में जगह देखा है और इसमें लगभग 200 व्यक्तियों को आइसोलेशन में रखा जा सकता है और यहाँ सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं, पर्याप्त हैं और इससे उनको एक स्वस्थ वातावरण प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य यदि खराब होता है इस दौरान, तो उसे यहाँ से सीधे जिले के किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा और यहाँ उनको ऐसा वातावरण मिलेगा कि कोई पेशेंट जो है भविष्य में जो कोरोना पॉजिटिव है लेकिन वो भविष्य में सीरियस हो जाता है तो ऐसा ना हो, इन चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा और एक तरह से ये जो है उनको उनकी स्थिति को गंभीर होने से बचाएगा। बेटमा नगर में जगदीश वाटिका में हम क्वारंटाइन सेंटर खोलने जा रहे हैं, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। शुरुआती दौर में अगर हम कोरोना के पेशेंट को यहाँ लाने में सफल रहे तो उसको बचाने में भी हम सफलता प्राप्त करेंगे। और इस क्वारंटाइन सेंटर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहेगा कि यहाँ पर 108 पूरे टाइम रहेगी, जो सर्व सुविधा युक्त रहेगी। यहाँ अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है तो उसको सीधे इंदौर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में तुरंत उपचार के लिए भेजा जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।